दर्शकों का स्वागत है आपके बॉलीवुड मैटिंग घर में। ये अभी एक धमकी और सलार आजकल बहुत हाइप चल रहा है कि दोनों मूवी में क्लैश होने वाला है, तो आपको क्या लगता है दोनों मूवी क्या डिफरेंस है? दो बिग स्टार आ रहे हैं, दोनों बिग प्रोड्यूसर आ रहे हैं, और दोनों एक साउथ की आ रही है एक नॉर्थ की आ रही है, समझो बॉलीवुड की आ रही है। अब दोनों में कॉम्पिटिशन रहेगा, ये बिजनेस है। अब इस बिजनेस की नज़र से देखा जाए तो ये फिल्म दोनों के भी हेवी है फिल्म, जैसे शाहरुख की अब जवान पठान चली हुई है, वो भी तीसरी फिल्म अभी रिलीज़ हो रही है इसकी, और प्रभास की दो तीन फिल्में फ्लॉप हुई है बॉलीवुड के, इसके बाहुबली के बाद कोई फिल्म चली नहीं है, उधर थोड़ा अलग स्टाइल है। और इसमें कैसा है कि हम प्रशांत नील की फिल्म है और प्रभास को लिया है, तो कुछ होगा इसीलिए प्रभास को लिया है। और इस फिल्म के क्लैश के बारे में बोलना है तो शाहरुख खान अभी इस वक्त एक्शन हीरो चल रहा है, हम पब्लिक के दिमाग में शाहरुख खान एक्शन है, हाँ, और दोनों एक्शन की वजह से ही चली फिल्म, क्योंकि उसकी पहले आई थी जीरो फिल्म, वो एक्शन नहीं थी, एकदम सिंपल फिल्म थी, फ्लॉप हुई थी। अब शाहरुख खान की डंकी आ रही है, डंकी के अंदर वजन वाले ये बात है कि हीरानी की फिल्म है जो संजू बाबा वाली लिए फिल्म बनाए, तो उसने MBBS मुन्ना भाई MBBS बना रहे हैं और अच्छे डायरेक्टर, बड़ा डायरेक्टर होगी, और ये दोनों यानी वजन में दोनों भी लेवल है। अब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड होता है कि तुम क्या देखोगे, क्या देखना चाहोगे। ऑडियंस यानी हर एक के दिमाग में अलग है, साउथ वाले लोग सोचेंगे भाई हम पहले प्रभास की देखेंगे, नॉर्थ वाले सोचेंगे हम शाहरुख खान की देखेंगे, ये तो नॉर्मली बात है, और बॉलीवुड वाले तो इसी का देखेंगे, लेकिन ऑडियंस हर क्या दिमाग में सोचती है ये फिल्म आने के दो दिन पहले, एक दिन पहले पता चलेगा। तो वही मेरा लगता है जैसे प्रभास की दो तीन पिक्चर थोड़ा लाइन से एवरेज आई, शाहरुख खान दो ब्लॉकबस्टर देखे आए, तो किसका मूवी पहले दिन ज़्यादा ओपनिंग लगेगा सर? ओपनिंग कैसा है, ओपनिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, ओपनिंग हो जाती फिल्म हिट होगी तो हिट होगी, अगर फ्लॉप होगी, फर्स्ट शो के अंदर आपको रिव्यू के अंदर पता चल जाता है फिल्म कैसी है, रिव्यू के अंदर सभी जगह रिव्यू चलता है आजकल, देश के अंदर सभी जगह रिव्यू चलता है, हाँ, और पब्लिक को इस रिव्यू देखने बाद जाती है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है, और अगर दोनों के रिव्यू अगर अच्छे आए तो दोनों फिल्में चलेगी। और लेकिन हर एक की बात यह है कि दोनों एक फिल्म एक हफ्ते पहले रिलीज़ करना चाहिए, एक हफ्ते बाद रिलीज़ करना चाहिए, दोनों का अच्छा है। आपको ऐसे भी लगता है कि आजकल जो ट्रेंड चला है लोग क्या करते हैं, जैसे कि टाइगर आई तो शाहरुख खान की एंट्री थी वो मोबाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो कहीं स्पॉइल कर देते पूरा मजा, तो इस गलत है कि क्या है? गलत ही है। देखो जो इसको क्या बोलते हैं हेटर बोलते हैं, जो किसी के लिए कोई सोचता है, कोई शाहरुख खान का फ़ैन है, कोई सलमान का फ़ैन है, कोई प्रभास का फ़ैन है, हर एक्टर का अलग अलग फ़ैन होते हैं, ये उनका खाली काम है। एंट्री वगैरह मेन मेन शॉट लेके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं तो मज़ा आधा निकल जाता है सर। हर आदमी की सोच अलग, मैंने बताया ना आपको, कोई किसी के बारे में गलत सोचता है उसके बारे में हम नहीं सोचे, हम अच्छे सोचेंगे कि भाई ये फिल्म भी चलना चाहिए, वो भी फिल्म चलना चाहिए, इनके पे भी 2-500 टेक्निकल ने काम किया, इसके पीछे 2-500 टेक्निकल ने काम किया, कोई फ्लॉप हो गई तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो 2-500 खर्च करके आने वाले फिल्म देखने वाले, लेकिन हम तो यही सोचेंगे भाई दोनों की फिल्में चले, क्योंकि दोनों जी जान से मेहनत की हुई है फिल्म के अंदर, और फिल्म तो दोनों भी चलनी चाहिए, हम तो यही उम्मीद रखते हैं। तो आप पर्सनली दोनों में से कौन से पहले देखना चाहेंगे? देखो इस वक्त अगर शाहरुख खान की एक्शन फिल्म होगी तो 100% मैं उसमें डंकी देखने जाऊँगा, अगर एक्शन नहीं है और कुछ नॉर्मली फिल्म होगी तो मैं 100% प्रभास की फिल्म, प्रशांत नील की फिल्म देखने जाऊंगा। अब तक ट्रेलर से तो उल्टा ही लग रहा है, जो जैसा आपने बोला प्रभास की एक्शन लग रहा है, उनकी ड्रामा कॉमेडी। हाँ, हालांकि उसमें एक विक्की कौशल भी एक अच्छा एक्टर है, बेस्ट एक्टर है इस वक्त का, तो हम तो ये पता चलता है कि भाई स्टोरी फिल्म है या कॉमेडी फिल्म है। हाँ, अगर क्रेज हम तो एक्शन फिल्म देखने गए, अभी हमारी उम्र तो होगी लेकिन क्या, फिर भी हमारा दिमाग तो इसी है ना, हाँ, कि हम तो फिल्म देखने वाले, हमको एक्शन ही फिल्म है, जैसे बातों से लग रहा है सलार पैसे देख जाओ, तो ये सेक्शन अगर उसमें पता चला तो एक्शन देखने जाएंगे ना, क्योंकि KGF पहले फर्स्ट KGF 2 तो बहुत ज़बरदस्त थी, तो KGF 2 मैंने 7 बार देखी है, प्रशांत नील का बहुत डायरेक्शन बहुत अच्छा था, और वही मेरे ख्याल से वो है लड़का क्या उसका कुलकर्णी जो एडिट किया ना, एडिटर क्या उसका नाम है जो टीजर बनाया था, वही कुलकर्णी का नाम डाला मैंने, देखा इसमें पोस्टर में अतुल कुलकर्णी या कुछ ऐसा नाम है। चलिए फिर आपसे वही देखते हैं आगे जाके क्या कौन सी मूवी हिट होती है, वो जो वक्त पे पता चली जाएगा। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।